हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। मेरे साथ आप सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 4 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस मैथ्स का। दो एक्सरसाइज है इसके अंदर। 4.1 जो हमने कंप्लीट किया था, 4.2 के अंदर मेन 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, 15 क्वेश्चन थे उसमें। अब मेन क्वेश्चन 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो मेन क्वेश्चन 2 है इसमें भी 15 क्वेश्चन है, इसके बाद और एक मेन क्वेश्चन है 3 जिसमें भी 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है और वीडियोज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन वीडियोज़ को शेयर करो ताकि उन तक ये पहुंचे। बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे हैं कि मैथ्स का ऐसा कंटेंट कहीं है क्या, उनको पता नहीं है कि फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो ताकि सबका फायदा हो। चलो शुरू करते हैं। 4.2 के सेकंड क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हो क्या दिया है। देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 dx और 0 to 1/√2 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो तो आपको पता है, बाद में करना होता है, वैल्यूज रखनी होती है। बट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये दिया, इसका इंटीग्रेशन कैसे लें। तो ये जो सब कुछ है ये आपने थर्ड चैप्टर में सीखा हुआ इनडेफिनेट। तो आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये रूल है, ये फॉर्मूला उसी से करना चाहिए। आपको दिमाग लगाना है कि मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो यहाँ पर देखो, साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 upon 1 minus x square यहाँ है, बट ये जो 1 minus x square है उसका पावर दे दिया है 3/2, नहीं तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। ये इसको t सब्स्टिट्यूट करते तो ये dt हो जाता। तो फिर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ जो साइन इनवर्स x है अगर मैं उसको t कंसिडर करता हूँ, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। ध्यान देना, अगर इस साइन इनवर्स x को t कंसिडर करते तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो, अगर x निकालना है तो x हो जाएगा, ये साइन इनवर्स उस तरफ गया तो साइन t हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को मैं t रखने वाला हूँ और ये जो x है उसको मैं साइन t रखूँगा। लेकिन फिर ये dx क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकालो, x का डेरिवेटिव dx और sin t का डेरिवेटिव cos t dt। sin s से स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर नेगेटिव नहीं होगा। तो ये थोड़े से मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। अभी इनडेफिनेट में थर्ड चैप्टर में इतना सब्स्टिट्यूशन किए तो बस हो जाता था, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, वैल्यूज दी होती है तो ये वैल्यू भी चेंज होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाएगा। देखो, यहाँ पर x वेरिएबल है तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1/√2 तक जाती है, यानी कि व्हेन x इज 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1/√2, यानी क्या, x की वैल्यू जब 0 होगी और x की वैल्यू जब 1/√2 होगी, एट दैट टाइम t की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की जगह t आने वाला है हर जगह पे, तो ये जो x की वैल्यूज थी वो भी रिप्लेस हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ से देखो, x की वैल्यू 0 है तो t कितना आएगा, यहाँ से देख लेते हैं, x अगर 0 है तो साइन t कितना आएगा, t की वैल्यू कितनी होगी तो साइन ऑफ t 0 आएगा। तो साइन 0 का साइन 0 होता है, मतलब साइन अगर t 0 होगा तो ही उसका आंसर 0 आएगा, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। ओके, तो यहाँ पर t क्या लेंगे, t 0, अगर t 0 है, तो साइन ऑफ 0 0, x 0 आना चाहिए था। अभी x कितना आना चाहिए, 1/√2, ये x कितना आना चाहिए, 1/√2 आना चाहिए, तो साइन t यहाँ पर x की जगह पर 1/√2। तो साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है, टेबल याद करो, जब साइन 45 होता है, t कितना होगा 45, यानी पाई अपॉन 4। तो ये मैंने क्या किया, ये जो लिमिट होती है इसकी 0 to 1/√2 को चेंज कर दिया। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो तो इस तरह से वापस से इंटीग्रल क्वेश्चन को लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो। देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, देखो, टी अपॉन 1 minus x, एक्स हमने क्या लिया है, साइन टी, बट इस एक्स का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट का पावर है 3/2, वो लिखना है। देन यहाँ पर है dx क्या है, cos t और dt, ये आया हुआ है। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसका लिमिट क्या था, 0 से लेके 1/√2, वो चेंज करना है अभी हमको। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 0 और 1/√2 को चेंज करना है। जब x 0 था तो t कितना 0 थी, यानी 0 है वहाँ पर 0 ही है। जब x 1/√2 था, यहाँ पर 1/√2 था अपर लिमिट, तो t कितना आएगा, पाई बाई 4। तो ये t जो अपर लिमिट है पाई बाई 4, इस तरह से लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एकदम अच्छे से समझो। देन नेक्स्ट स्टेप, I इज इक्वल टू 0 to π/4, ये लिमिट है,
अब यहाँ पर टी है, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, ओके वन माइनस साइन स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी से, और ये है थ्री बाई टू, और ऑलरेडी कॉस टी एंड डी टी है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप इसको हटा दे, आई इज इक्वल टू, एकदम अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अब आगे करता है, करना है सबको, टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और ये थ्री बाई टू, देखो ये टू से टू पार में कट जाएगा, तो ये कॉस क्यूब टी आ जाएगा, टी अपॉन कॉस क्यूब टी, और ऑलरेडी यहाँ पर कॉस टी डी टी है, कॉस टी और डी टी है। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, बहुत सिंपल है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यहाँ स्क्वायर आ गया, ओके एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया जीरो टू पाई बाई फोर, लिमिट हर बार लिखो टी इंटू, ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर है समझो, कॉस स्क्वायर टी डी टी, ऐसा क्यों किया, एक कॉस से कैंसिल किया, तो ये कॉस क्यूब था, एक कॉस कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर आ गया। अब इसका फायदा क्या होगा, इसको अलग क्यों किया, क्योंकि उसका फॉर्मूला बनेगा, कैसे फॉर्मूला बनेगा, तो ये टी इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर टी और डी टी। अब ऐसा करने से क्या हो गया, देखो ये यू इंटू वी टाइप आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए रूल याद है, लिएट रूल, यू इंटू वी रूल के लिए, पहला देखो टी है सिर्फ, टी मतलब अलजेब्रिक, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, सो अलजेब्रिक और ट्रिगो में अलजेब्रिक पहले रखते हैं, अलजेब्रिक यानी टी पहले, तो चलेगा, इस टी को यू कंसिडर करो, इसको वी कंसिडर करो, यू इंटू वी रूल, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है इसलिए डायरेक्ट हम करेंगे, सबसे पहले यू लेते हैं एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी सेक स्क्वायर टी डी टी, देन माइनस करते हैं बड़ा इंटीग्रेशन, थर्ड चैप्टर में आपने सीखा था, मैंने सिखाया था बहुत डिटेल में, फिर जो पहला टी है उसका डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी इस तरह से, फिर ये जो सेकेंड इंटीग्रेशन था वो वापस रिपीट होता है सेक स्क्वायर टी डी टी फिर डी टी इस तरह से। अच्छा यहाँ पर वैल्यूज भी थी, जीरो टू पाई बाई फोर, वो कैसे सीखा था आपने, यहाँ पर रखोगे जीरो टू पाई बाई फोर, ओके ये पहले वाले टॉपिक को ऐसे लिखते हैं, और ये बड़ा इंटीग्रेशन है उसको यहाँ जीरो और यहाँ पाई बाई फोर देते हैं, ठीक है, ये तरीका है डेफिनेट का, जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अब नेक्स्ट सॉल्व करो, देखो I इज इक्वल टू, एक मिनट हाँ, यहाँ पर क्या है T, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan का, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, सो ये T है, tan x नहीं है, T है इसलिए tan T, ओके ये आ चुका है जीरो टू पाई बाई फोर, इसको लिमिट देना बाद में, माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू T वन आ गया, sec स्क्वायर T का इंटीग्रेशन tan T आया और dt। अब आगे देखो therefore I इज इक्वल टू, यहाँ पर t की जगह पर पाई बाई फोर रख सकते हो, सो t हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू टेन पाई बाई फोर, ओके माइनस, अब जीरो रखोगे तो जीरो इंटू जीरो सब जीरो हो जाएगा, ओके एक बार पाई बाई फोर रखोगे, रख दिया फिर माइनस, सबकी जगह जीरो रखोगे तो डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो। अब आगे देखो ये इंटीग्रेशन में वन इंटू टेन t है, तो वन इंटू टेन यानी टेन होगा, टेन का इंटीग्रेशन आपने स्पेशली याद किया था log ऑफ log ऑफ sec, देखो tan x का log sec x होता है, तो tan t है तो log sec t होगा, मॉड देते बिकॉज ये log है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है जीरो टू पाई बाई फोर ये रखना है, देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ बाकी है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग अलग कर सकते हैं या एक ही साथ भी कर सकते थे, इसको एक स्टेप और रुकाना पड़ता, पाई बाई फोर, tan 45 क्या होता है, tan 45 डिग्री sin अपॉन cos तो 1 होता है, माइनस जीरो हट गया माइनस, अब ये देखो log log ओके sec log sec sec t यानी sec 45 ये रखा, देन माइनस अगेन log sec और ये जीरो, एक बार log 45 रख, log sec 45 एक बार log sec जीरो, दोनों को माइनस करेंगे, therefore क्या आ गया I इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू वन, वही आ गया माइनस, देखो sec 45 कितना होता है याद करो, sec 45 cos 45 कितना होता है, cos 45 वन अपॉन रूट टू, तो sec 45 उसका उल्टा, वन अपॉन रूट टू का उल्टा रूट टू अपॉन वन, रूट टू आया माइनस log, देखो sec जीरो cos जीरो क्या होता है वन, तो उसका उल्टा sec जीरो यानी वन, तो log ऑफ वन ये आया। अब आगे देखो यहाँ पर कर लेते थोड़ा सा, ओके I इज इक्वल टू, therefore I इज इक्वल टू क्या है, देखो पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर माइनस log, देखो ये टू रूट में है, ये रूट में टू है ना, तो उसको टू रेस टू हाफ कर सकते हैं इस तरह से, और माइनस लॉग वन, वन का लॉग जीरो होता है, नहीं मालूम तो मैंने पढ़ाई वाला चैनल पर आपको सिखाया हुआ लॉग का बेसिक जरूर देखें, तो वन का लॉग जीरो इस तरह से, देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस, देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है हाफ, यहाँ पर आ गया तो वन बाई टू हो गया लॉग टू, और माइनस जीरो हट गया,
तो ये पूरा ओपन भी कर दोगे तो चलेगा, माइनस जीरो हट चुका है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, क्या है देखो, ये हाफ आ गया है वन बाई टू एंड लॉग टू और माइनस जीरो हट गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। यहाँ पर आपने एक नया मेथड सीखा, या बोल सकते हैं पुराना ही मेथड है डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थर्ड चैप्टर का, जिसमें हम लोगों को सब्सटीट्यूशन करना होता था, लेकिन नया क्या सीखा, ये कि जब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हो तो ये लिमिट जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, उसको चेंज करना, ये भूलना नहीं, अगर ये भूल गए तो आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया सेकंड का, इसको कॉपी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में सेकंड क्या दिया है देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन है जीरो टू पाई बाई फोर एंड अपॉन में थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर टेन एक्स प्लस वन और ऊपर न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन देख के आप बहुत ही खुश हो जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि ऐसा जब भी होता है, यहाँ पर नीचे जो टेन एक्स दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स और टी का डी टी, और यहाँ ऑलरेडी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसलिए हमने टेन एक्स को टी लिया। बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं आपको कैसे पता, आपको आप ऐसे ही कैसे ले रहे हो, कमेंट में आता है बहुत सारा, बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मैं दिन भर लेक्चर रिकॉर्ड करते रहता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि आपके मैं जवाब दूँ, फिर भी कभी कभी देख लेता हूँ तो पता चलता है। बच्चे पूछते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा, करें, अरे ये प्रैक्टिस की जरूरत है। आप अगर पूरा इनडेफिनेट चैप्टर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कैसे करना है। हर एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपको याद हो जाएगा सारी चीज़ें कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, लेकिन आप अचानक कोई क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ी आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। मेरे साथ आपकी पहली बार प्रैक्टिस हो रही है, पूरा अभी ये सब खत्म होने के बाद दूसरी बार वापस आपको करना है, कॉलेजेस में कराएंगे फिर आपकी एक प्रैक्टिस होगी, ये सब ध्यान रखो, और ऐसा करने की वजह से आप एकदम पक्के हो जाओगे, एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। किसी चीज़ को एक ही बार सीखने से आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, उसको रिविजन करना पड़ता है बार बार। चलो देखो इसको आगे देखते हैं, टेन एक्स टी है तो सेक्स उसका डेरिवेटिव है, तो मैंने अभी और भी बताया ना, इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे, अगर ये जीरो है, अगर एक्स जीरो है, ओके, व्हेन एक्स इज जीरो एंड व्हेन एक्स इज पाई बाई फोर, व्हेन एक्स इज पाई बाई फोर एट दैट टाइम टी कितना होगा, टी कितना होगा, देखो एक्स जीरो, यहाँ देखो एक्स की जगह अगर जीरो रखते टेन जीरो, टेन जीरो है तो टी कितना होगा, देखो टेन जीरो क्या था, साइन अपॉन कॉस, जीरो अपॉन वन जीरो ही होगा, टेन जीरो जीरो होता है, 45 रखते हैं एक्स की जगह तो टेन 45, टेन 45 वन होता है। टेबल आपको आना चाहिए, नहीं आता तो लास्ट पेज पे रफ वर्क में एग्जाम में कर सकते हो, बट याद रखो साइंस स्टूडेंट को टेबल कम से कम साइन कॉस और टेन का याद होना चाहिए, टेन का नहीं भी याद रहा तो साइन कॉस का अगर टेबल की वैल्यूज याद रही तो आप उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइंड में कर सकते हो। जैसे अब ये देखो वैल्यूज रखते हैं, I इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर तो जीरो का जीरो हो गया, पाई बाई फोर का वन हो गया, और सब चेंज कर दे, अपॉन ये थ्री टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स क्या है टी, तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस फोर टेन एक्स की जगह टी हो गया, प्लस वन ये हो गया, ऊपर सेक्स स्क्वायर और डी एक्स था, सेक्स स्क्वायर डी एक्स मिलकर डी टी हो गया, कुछ नहीं बचा तो वन। अब आप खुश हो जाओगे, अरे ये तो बहुत ईजी हो गया, हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था ऐसा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं ना नीचे, यहाँ पर उसके लिए मैंने ये भी बताया कि टी स्क्वायर देखो यहाँ पर उसके साथ थ्री है उसको बाहर ले लो, आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री बाहर आ गया, ये जीरो टू वन, वन अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर, यहाँ से थ्री कॉमन लिया तो सब में से आएगा, ये फोर अपॉन थ्री टी हो गया और ये वन अपॉन थ्री हो गया। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो याद आ रहा है थर्ड टर्म क्या करते थे, टी के साथ जो भी है उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना, टी के साथ क्या है फोर बाई थ्री, और उसका स्क्वायर करना, यानी टी का कोएफिशिएंट होता है उसको आधा करके स्क्वायर करना, सो टू से फोर कट हो गया, टू बाई थ्री का स्क्वायर फोर बाई थ्री, तो यहाँ पर हम लोगों को फोर बाई थ्री प्लस करना है और माइनस करना है, क्या करना है फोर बाई थ्री प्लस एंड माइनस टी स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री टी, और यहाँ पर प्लस वन बाई थ्री है, क्या करेंगे हम लोग 4 बाई थ्री प्लस करेंगे यहाँ पर और यहाँ माइनस कर दो 4 बाई थ्री, तो वापस से वही आ जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो 0 टू 1 लिमिट है, 1 अपॉन ये देखो ये एक साथ है और ये एक साथ है, ये पहला टर्म क्या है टी प्लस, ये लास्ट टर्म क्या है 2 बाई थ्री का होल स्क्वायर है, ये 4 बाई थ्री क्या है किसका स्क्वायर है 2 अपॉन थ्री का स्क्वायर है, देखो 2 अपॉन थ्री का स्क्वायर, अरे गड़बड़ हो गया लगता है, 2 बाई थ्री का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4/9 प्लस करेंगे ओके, और यहाँ पर 4/9 माइनस करेंगे ओके। याद रखो इसको गड़बड़ ना हो, तो ये 4/9 किसका स्क्वायर है, 4/9 जो है 2/3 का स्क्वायर है। तो ये टी है, अरे अब इसको कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं, पहला टर्म फिर लास्ट टर्म उसका होल स्क्वायर ओके। देन 1/3 में से 4/9 माइनस करो, 1/3 माइनस 4/9, तो LCM मेथड से कैसे करोगे, तो 9 और 3 दोनों के टेबल में 9 आता है, तो 9 LCM है, जो बड़ा नंबर होता है ना वो LCM होता है ओके। अगर 3 के टेबल में भी 9 आ रहा, अब 3 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे, 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9, तो उस 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमिरेटर में करना, 1 में 3 1 ज़ा 3। अब 9 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे, 9 आएगा, तो 9 1 ज़ा 9, तो इस 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमिरेटर में करना 4 में, सो -1/9 आया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो -1/9 आ गया ओके। और यहाँ पर dt है ऑलरेडी, आगे देखो कैसे होगा, i इज़ इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/t + 2/3 द होल स्क्वायर, और माइनस ये जो 1/9 है वो किसका स्क्वायर है, देखो 1/3 का होल स्क्वायर है dt ओके। अब याद करो ये फॉर्मूला कैसा हो गया, 1/x² - a² इंटीग्रेशन में याद है कैसे करते थे इसको, इनडेफिनेट में ये 1/3 बाहर है, 1/2a, सो 1/2 × a ओके, ऐसे होता था, फिर लॉग होता था, फिर x माइनस a यानी दिस माइनस दिस, t + 2/3 - 1/3, फिर इन दोनों को ही प्लस कर देते नीचे, और यहाँ पर प्लस c आता था, बट अब प्लस c क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास लिमिट है 0 to 1। अच्छा ये 1/1 नंबर्स को बाहर ले सकते हो, ये 0 to 1, जहाँ t होता है वेरिएबल वहाँ पर लिमिट देते, पूरे को भी ऐसे करोगे लिमिट तो भी चलेगा, बाद में नंबर बाहर लेना। ये 3 से 3 हो गया कट, i = 1 × 1 1/2 बाहर रह गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते, लॉग ये क्या है देखो, t + 2/3 - 1/3, तो 1/3 / ये क्या हो जाएगा, t + 2/3 + 1/3 3/3 क्या हो जाएगा, इसको 3/3 रखो या तो 1 कर दो, देखो ये 2 + 1 3/3 यानी 1 हो गया, चलो ये 0 to 1 वैल्यूज रखना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व हो जाएगा इजीली। यहाँ पर ये जो रफर किए थे इसको हटा देते ओके। अब क्या आ जाएगा देखो, i = 1/2, अच्छा अब वैल्यू रखो एक बार ना, t की जगह 1 रखना, लॉग 1 रखा, 1 + 1/3 / 1 + 1, और एक बार क्या करो 0 रखो, लॉग 0 + 1/3 / 0 + 1, इस तरह से वैल्यूज रख दिया, एक बार अपर लिमिट 1 रखा, एक बार 0 जहाँ भी t था, बाहर 1/2 था उसको वैसे ही रखा, ये हो जाएगा लॉग, इसको सिंप्लीफाई करो, 1 + 1/3 क्या होगा, 3 1 + 3 + 1 4/3 / 2, माइनस ये हो जाएगा लॉग 0 + 1/3 यानी 1/3 / 1, तो इसको सिर्फ 1/3 रखते। आगे क्या होगा देखो, लॉग कॉमन लेंगे, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, दोनों का लॉग कॉमन लिया, तो ये क्या है देखो, ये 4/3 / 2 मतलब 4 / ये 3 / 2 मतलब ये 3 और 2 नीचे मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 2 इस तरह से, और ये देखो एक मिनट वापस करते हैं, ये क्या है 4/3 और 2 दोनों अपॉन में, तो 3 और 2 दोनों अपॉन में आ गया, माइनस का मतलब होता है डिवीजन, और लॉग क्या है 1/3 इस तरह से। आगे करेंगे देखो माइनस का मतलब अपॉन करते हैं, डिवीजन भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है, 4/3 × 2, ये डिवीजन को इंटू करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3 से 3 हो गया कट, 2 से 2 हो गया कट, यहीं पर कट कर सकते थे चलेगा कोई बात नहीं। i = 1/2 लॉग, यहाँ पर क्या है 2 बज गया सिर्फ, 2 × 2 / 1 2 लॉग 2, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आप चाहिए तो यहाँ लेके जाओगे तो √2 हो जाएगा, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, i = log, ये हाफ है ना इंटू इधर गया तो 2 raised to 1/2 हो गया, और सिंप्लीफाई करना है तो log √2 ओके, ये जो 2 raised to 1/2 क्या हो गया √2, तो आप log √2 आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सेकेंड हो गया, चलो कॉपी कर लो इसको। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला देखो क्या दिया है, i = 0 to 4π sin 2x / sin 4x + cos 4x, यहाँ पर क्या करना है देखो, ये जो लिमिट दिया ना ये गड़बड़ दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर क्वेश्चन में, लेकिन चलो जो क्वेश्चन दिया है उसको लेके सॉल्व करते हैं, कि इंटीग्रेशन कैसे लेना वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 4π के बदले π / 4 होना चाहिए। आगे देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला आपको पता है,
क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 pi, इसको मैं बाद में चेंज करूंगा, फिलहाल जो क्वेश्चन है वो लेके देखते क्या आंसर आता है। साइन टू एक्स क्या होता है, 2 sin x cos x, ओके ये फॉर्मूला होता है, और ये sin^4x + cos^4x। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट के सारे क्वेश्चन मिक्स होके आए हुए हैं, ओके तो कौन सा मेथड या टाइप का क्वेश्चन है आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैंने आपको टाइप बताया था, जब भी 1/sin^2x + cos^2x इस तरह से हो, या a sin^2 + b cos^2, अगर ऐसा हो तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे cos^2x से ही डिवाइड करते हैं, याद आ रहा होगा आपको, तो क्या करते हैं हम लोग cos^2x से डिवाइड कर देते हैं, ये एक टाइप था, उस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर sin^2 cos^2 होने के बदले sin^4 cos^4 है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos^4x। आप शॉर्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हो, चलेगा, कंसिडर करते हैं इसको, ओके तो हम लोग cos^4x से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल चेंज हो जाएगा हमारा, ये हमने क्या किया 2 sin x cos x, इसको हमने cos^4x से डिवाइड किया, और यहाँ पर sin^4x cos^4x से डिवाइड करो, ओके और यहाँ पर cos^4x को cos^4x से डिवाइड किया तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया समझो, और यहाँ dx है। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिर्फ अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं लिया, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं किया, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये cos से ये कैंसिल होकर cos³ हो जाएगा, ये क्या आ गया देखो 2 sin x हो गया, और नीचे क्या आ गया 1 cos x से 1 कैंसिल होकर 4 की जगह 3 आ गया, cos³ आ गया, तो मैं क्या करता हूँ cos³ का 1 cos यहीं रखता हूँ और 1 cos² जो है अलग करता हूँ, क्यों अभी आपको समझेगा, इससे फॉर्मूला बनने वाला है। sin/cos क्या होता है, 10, और दोनों का पावर क्या है 4, 10^4x + 1, इसके कुछ फायदा होगा, यस देखो I इज इक्वल टू, ये 0 to 4 pi दिया हुआ है, 2 sin x/cos x 10x और 1/cos² sec²x, ये क्या आ गया, अरे बहुत अच्छा आ गया, टेंशन मत लो, अब हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। अभी तो आप सोच रहे हो इतना बड़ा तो दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि जो नीचे 10^4 है, अगर मैं यहाँ पर 10^2x को t कंसिडर करता हूँ, 10^2x को t, ध्यान से देखना, तो 10^2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ गया, 2 × 10x^1, और 10x का अगेन डेरिवेटिव sec²x और dx, और यहाँ पर t का डेरिवेटिव dt, देखिए ध्यान से क्या आ रहा है, 2 tan x sec²x, ये 1 हटा दो, 2 tan x × sec²x क्या आ रहा है, dt आ रहा है। तो अगर यहाँ नीचे 10^2x जो है 10^4 है, उसमें 10^2 को मैं अगर t करता हूँ, तो ये ऊपर जो ये पूरा dt हो जाएगा, तो रिप्लेस हो जाएगा, देयरफॉर देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो नीचे 10^4 है, तो ये 10^2 को t लिया है, तो 10^4 क्या हो जाएगा, t² + ये 1, और ये ऊपर जो 2 tan x sec² dx है, 2 tan x sec² dx, ये हो जाएगा dt, तो उसको हम साइड में लिखते हैं, यहाँ पर dt, यहाँ 1 कर देते हैं। ये जो लिमिट है 0 to 4 pi, ये चेंज होगी, जैसे मैंने बताया यहाँ करेक्शन है 4 pi की वजह से, तो आप पहले से ही करेक्शन कर दो, ओके 4 pi/4, ये सब करेक्शन बाद में जो है बोर्ड की तरफ से वेबसाइट पे रिलीज होगा, टेक्स्ट बुक में कहाँ कहाँ क्वेश्चन में गलती है, कहाँ कहाँ आंसर में गलती है, आपने देखा था कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं आंसर में, ओके और क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पर भी जो भी है मैं आपको बताते रहूँगा। अब लिमिट चेंज करो 0 to π/4, तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 और व्हेन x इज इक्वल टू π/4, टी की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर x 0 है सो टेन स्क्वायर 0, यानी टेन 0 का स्क्वायर, टेन 0 0 होता है तो टी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। एक्स π/4 है, अगर π/4 रखो तो टेन 45 क्या होता है, टेन 45 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो टी क्या आ गया 1, तो यहाँ पर 0 से लेके 1 आ गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ओके आई इज इक्वल टू 1/1 + t², ये किसका फॉर्मूला था याद है ना, टैन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टैन इनवर्स टी आ जाएगा, और इसका लिमिट क्या था 0 to 1, देयरफॉर आई क्या करेंगे, टैन इनवर्स ये जो टी है, टी की जगह एक बार 1 रखो माइनस, फिर टैन इनवर्स टी की जगह पर 0 रखो, देयरफॉर आई क्या आ गया, टैन इनवर्स 1, टैन की वैल्यू 1 कब होती है, जब 45 होता है, और टैन की वैल्यू 0 कब होती है, जब 0 होता है, ओके एंगल, तो आई क्या आ गया, π/4, इस तरह से ये जो है इसका आंसर आ गया।
याद रखना है, इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है, पाई बाई फोर को फोर पाई लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, सॉल्यूशन आ चुका है, इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 बाय रूट कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स, कैसे करोगे? देखो यहाँ पर इसको भी सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करना चाहिए, लेकिन अगर कॉस को अगर हम टी लेते हैं जो रूट में है, तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स डी एक्स जो डी टी होगा, लेकिन यहाँ तो साइन क्यूब है, सिर्फ साइन होना चाहिए था। और अगर साइन एक्स को टी लेते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी होगा, बट ये कॉस रूट में है, तो क्या करते, कॉस एक्स को टी लेते, बट इसके लिए तो एक साइन एक्स चाहिए ना डेरिवेटिव में, तो ये साइन क्यूब में से एक साइन बाहर कर देते। देखो ना कैसे कर रहा हूँ मैं, 0 to 2π रूट कॉस एक्स, साइन क्यूब है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर रहा हूँ मैं, जिससे क्या होगा, ये साइन एक्स डी एक्स डी टी होने वाला है अगर कॉस को टी लिया तो। फिर ये साइन का क्या होगा, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज कॉस को मैं टी करने वाला हूँ, 0 to 2π रूट कॉस एक्स, ओके ये हो गया। साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 - cos² x, और ये क्या है, साइन एक्स डी एक्स। अब पुट करो, पुट या सब्सटीट्यूट, कॉस एक्स को टी सब्सटीट्यूट करो, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और डी एक्स तो डी टी आ गया, ओके तो ये माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस डी टी तो हो जाएगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिमिट चेंज करो, वैन 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वैन एक्स इज इक्वल टू 2π, इस तरह से होगा, दोनों के लिए वैल्यू चेंज करो, x को हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब x 0 है, x 0 है तो cos 0 क्या होता है, t क्या है, cos ऑफ 0, cos 0 क्या होगा, t हो जाएगा 1, जब x 2π है, तो देखो जब cos x, x की जगह 2π लेना है, एक बात आपको बता दो, cos के लिए cos 0 1 होता है, देखो cos 0 पाई और 2π, cos 0 होता है 1 और cos पाई होता है -1 और cos 2π वापस से 1 आ जाता है, ये कॉस की वैल्यूज होती है, टेबुलर वैल्यूज, ओके तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2π है, तो 2π अगर रखोगे तो कॉस 2π, तो ये वापस से 1 आ जाएगा, यानी टी क्या आ गया, 1, लोअर लिमिट भी 1, अपर लिमिट भी 1, अरे बाप रे ये तो सेम ही आ गया, क्या होगा, बहुत मजा आने वाला है। देखो आई इज इक्वल टू 0 to 2π, तो 0 के लिए 1 आ रहा है और 2π के लिए भी 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या है टी, ब्रैकेट 1 - cos² 1 - cos क्या है टी, कॉस स्क्वायर जो था, कॉस की जगह टी रखा, टी स्क्वायर हो गया 1 - t². अब ये साइन एक्स डी एक्स, देखो साइन एक्स डी एक्स माइनस में होगा तो डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो यहाँ पर डी टी और यहाँ पर माइनस बाहर दे दो। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ जरूरत नहीं सॉल्व करने की, यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, याद आ रहा है आपको एक इंटीग्रल का मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहे फंक्शन का, तो फंक्शन कुछ भी है उसका आंसर 0 आता है, तो ये रीज़न है। तो इस आंसर से हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस और ये 0, डैट इज 0, कभी नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ 0 लिखते 0 को। सो आई इज इक्वल टू 0 कैसे आया, इस प्रॉपर्टी से आया। तो यहाँ पर पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें, प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सिखाया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू हम 0 लिख दिए। जब भी ऐसा होगा तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सॉल्व हो गया, कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ वाला, सेकंड में, इसको देख के आपको ध्यान आ रहा होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5 + 4 cos x, ऐसा एक टाइप था इंडेफिनिट में, क्या था टाइप, कि अगर अपॉन में cos x या तो sin x आता है या दोनों आते हैं, ओके देखो 2x नहीं है, सिर्फ x है, तो हम लोग यहाँ पर एक कंसिडर करते हैं, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, ये सब्सटीट्यूशन होता था, याद रखो क्यों ये लेते थे, ये टाइप था, ये मेथड था, कि अगर 1/ इस तरह से है, cos x है, sin x है या दोनों है, तो tan x बाई 2 लेते थे, इसके बाद ये tan इस तरफ जाता था तो tan इनवर्स t हो जाता था, tan इनवर्स t इज इक्वल टू, एक मिनट, और यहाँ पर x अपॉन 2 अपॉन 2 यहाँ गया तो 2, तो ये x की वैल्यू इस तरह से आ जाती थी, ये जो x था, इस x से हम लोग डेरीवेटिव अगर करेंगे, डेरीवेटिव इज इक्वल टू 2, और टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + t², सो 2/1 + t² डी टी, ये x से आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक फिक्स था कि टैन x बाई 2 को t लेना है, और साइन x और cos x के लिए क्या लेना था वो भी फिक्स था, फॉर्मूले से हमने डिराइव करके रखा था, ये डी एक्स में अपॉन 1 + t² है वो लेना है, यहाँ भी 1 + t², साइन x में 2t लेते हैं और cos x में क्या करते हैं 1 - t², जैसे ये sin x है तो 2t/1 + t², cos x है तो 1 - t² / 1 + t². क्वेश्चन में देखो sin x नहीं है तो ये sin x यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है,
कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स दिखाया, डी एक्स दिखाया, ये ओके। लेकिन अगर यहाँ साइन एक्स होता तो ये लिखते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये मिटा दोगे तो भी चलेगा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कैसा था ये, ओके। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक में आपको सब कुछ लिख के भी दे रहा हूँ। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। चलो अब रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चेंजेस टू जीरो टू, अच्छा ये भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, अभी जीरो और पाई बाई टू, तो लिमिट चेंज कर दे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो जब यहाँ पर एक्स की जगह जीरो रखोगे तो टेन ऑफ जीरो, टेन जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन टू जीरो, टेन जीरो क्या हो जाएगा टी, टेन जीरो मतलब जीरो होता है तो जीरो आ गया, टी इज इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह पाई बाई टू रखा, ये जो एक्स है पाई बाई टू अपॉन टू, तो पाई बाई टू अपॉन टू फोर हो जाएगा, पाई बाई फोर, टेन फोर्टी फाइव वन हो गया। आप रफ में करके देख सकते हो। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रल को यहाँ सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन जो है हमारा आप चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो, देखो जीरो का जीरो और पाई बाई टू का वन, जीरो टू पाई बाई टू था, जीरो टू वन, ये हो जाएगा वन अपॉन फाइव, फाइव की जगह फाइव प्लस फोर। कॉस एक्स को क्या करूँगा मैं, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये आया। फिर इनटू ये जो डी एक्स है, डी एक्स क्या आ गया टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो मैं यहीं पर ऊपर लिख सकता हूँ टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर क्या था साथ में डी टी, तो डी टी को यहाँ लिख दिया। सिंप्लीफाई करो इसको, जीरो टू वन, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते, वन प्लस टी स्क्वायर इंटू फाइव, ऊपर क्या है देखो ये वन प्लस टी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर आएगा, समझो वो कट होगा डायरेक्ट, तो टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू फाइव, तो फाइव इंटू वन फाइव, प्लस फाइव इंटू टी स्क्वायर फाइव टी स्क्वायर, प्लस फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू माइनस टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर। देखो इसका अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन में आएगा, दोनों कैंसिल हो गया, इसको डायरेक्ट उड़ा दिया, ठीक है। डी टी थोड़ा सा कुछ कुछ स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से, जीरो टू वन टू अपॉन, देखो ये फाइव टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर, हाँ तो क्या हो जाएगा, फाइव टी स्क्वायर में से फोर टी स्क्वायर गया तो वन टी स्क्वायर, प्लस फाइव प्लस फोर, फाइव प्लस फोर नाइन हो गया, ओके। और यहाँ पर क्या आ गया डी टी। अब आगे इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, टू बाहर आ गया, जीरो टू वन, वन अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर है नाइन हो जाएगा थ्री स्क्वायर, ओके। इस तरह से अब ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। तो कैसे करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू टू है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन ए यानी वन अपॉन थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी टी अपॉन थ्री, ये आ गया, ओके। और यहाँ पर जो इसकी लिमिट थी जीरो टू वन, तो इसको आप इतना दे सकते हो, जीरो टू वन नंबर को बाहर रखो, आई इज इक्वल टू टू इंटू वन टू अपॉन थ्री, अब ये टैन इनवर्स, ओके टैन इनवर्स, एक बार टी की जगह वन रखो तो ये वन बाई थ्री, माइनस टी की जगह जीरो रखो तो टैन इनवर्स जीरो बाई थ्री जीरो हो गया। अब ये टैन इनवर्स वन बाई थ्री है, तो टैन के टेबल में वन बाई थ्री स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखोगे टैन इनवर्स वन बाई थ्री इस तरह से, ओके। और टैन इनवर्स जीरो कब होता है, जीरो जब होगा तो, ओके, यानी टैन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो टैन इनवर्स जीरो जीरो। तो फाइनली हम लोग को आंसर क्या मिल गया यहाँ पर, आई इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री टैन इनवर्स वन अपॉन थ्री, देखो ये मिला। प्लस सी वगैरह मत लिख देना हाँ, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें प्लस सी नहीं आता। यहाँ पर ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसको कॉपी करो। अगला जो क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, बहुत ही आसान है, क्या है देखो ध्यान से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर कॉस एक्स डी एक्स अपॉन फोर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको सब्सटीट्यूशन कैसे करें, अभी जो मेन क्वेश्चन नंबर हमारा टू है ना, ये पूरा सब्सटीट्यूशन पे, जैसे आप देख रहे हो मैं हर क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखोगे कॉस एक्स को टी रखो कि साइन एक्स को, तो देखो डिनोमिनेटर में साइन है उसका स्क्वायर है, अगर इसको टी रखते हैं साइन एक्स तो उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी कॉस एक्स डी एक्स प्रेजेंट है, तो इसको डी टी रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ओके साइन एक्स को क्या रखा टी, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन सी से स्टार्ट होता है नहीं तो उसका डेरिवेटिव माइनस नहीं आएगा, ये मैंने रिप्लेसमेंट किया सब्सटीट्यूशन किया। अब ये जो लिमिट है उसको भी करना पड़ेगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, दोनों लिमिट चेंज करेंगे, ओके डेफिनेट में हर बार लिमिट चेंज करना है। अब देखो एक्स की वैल्यू अगर जीरो लेते हैं साइन जीरो, तो टी की वैल्यू क्या आएगी साइन जीरो जीरो होता है, सो टी इज जीरो, और अगर एक्स पाई बाई फोर लेते 45, साइन 45 क्या होता है वन बाई रूट टू, तो टी की वैल्यू हो जाएगी वन बाई रूट टू।
नाउ रिप्लेस दिस आई रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज जीरो जीरो टू पाई बाई फोर था तो जीरो का जीरो हो गया पाई बाई फोर की जगह पर वन अपॉन रूट टू आ गया ओके इस तरह से लिखो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया ये कॉस एक्स डी एक्स पूरा डी टी हो गया बाहर लिख दो अपॉन में फोर है फोर माइनस साइन एक्स को टी किया तो ये टी स्क्वायर हो गया ऊपर कुछ नहीं है तो वन ले लो अब ये सॉल्व हो गया सिंपली आपको फॉर्मूला पता है कैसे करना है जीरो वन बाई रूट टू यहाँ पर वन ये फोर मतलब क्या हो गया टू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला याद है आपको देखो इसका फॉर्मूला था वन अपॉन टू ए टू इंटू ए लॉग फिर ये देखो ये ए माइनस एक्स है ना तो कैसे आएगा देखो ऊपर ये 2 माइनस टी नीचे लेंगे इस तरह से और 2 प्लस टी यहाँ पर यानी a माइनस एक्स नीचे लेते हैं ऊपर a प्लस एक्स करते हैं और प्लस सी आता है बट प्लस सी मतलब को डेफिनेट है और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका लिमिट दे दो 0 टू 1 बाई रूट टू ओके ये लॉग था ये नंबर बाहर है उसको बाहर ही रखो सो फाइनली यू विल गेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू ज 4 ये आ गया देन लॉग अब वैल्यू रखो लॉग लॉग एक बार वन बाई रूट टू रखो ये टू प्लस टी की जगह पे टू प्लस वन बाई रूट टू अपॉन टू माइनस वन बाई रूट टू देन माइनस अब लॉग में ये रखा टी की जगह पे ये अब जीरो रखो सो लॉग टू प्लस जीरो टू माइनस जीरो वैल्यूज रख दिया अब क्या होगा देखो आई इज इक्वल टू वन बाई फोर इक्वल को अच्छे से लिखना चाहिए ओके लॉग अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो रूट टू इंटू टू टू रूट टू प्लस वन अब अपॉन रूट टू आएगा यहाँ भी अपॉन रूट टू दोनों का अपॉन रूट टू कैंसिल टू इंटू रूट टू टू रूट टू माइनस वन ये आ गया दोनों का अपॉन रूट टू कैंसिल किया माइनस ये क्या आ जाएगा देखो लॉग टू प्लस जीरो टू टू माइनस जीरो टू टू अपॉन टू वन तो ये वन आ गया वन का लॉग जीरो होता है ठीक है तो एक स्टेप और कर सकते हो लॉग ये आ गया टू रूट टू प्लस वन टू रूट टू माइनस वन और माइनस जीरो और एक स्टेप कर दो आई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर लॉग टू रूट टू प्लस वन टू रूट टू माइनस वन और माइनस जीरो हटा दिया ये रूट टू है ओके ये मॉड थोड़ा लंबा करो तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस तरह से हमको करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व कॉपी कर लो अब अगला जो क्वेश्चन है सेवेंथ वाला एकदम ध्यान से देखो कैसे करेंगे यहाँ पर भी देखो डिनोमीटर में साइन एक्स है न्यूमरेटर में कॉस एक्स है तो साइन एक्स को अगर टी लेते हो तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है तो करते वैसे ही पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी तो उसका डेरिवेटिव है कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी ओके अब जीरो और पाई बाई टू है वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो वैन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू जब एक्स जीरो होगा यहाँ पर देखो इसमें देखना है साइन जीरो तो टी क्या आ जाएगा साइन जीरो जीरो और एक्स नाइन्टी है साइन नाइन्टी क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू वन तो लिमिट चेंज होगा जीरो टू वन रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 टू 1 ये जो 0 टू पाई बाई टू था 0 टू 1 हो गया देखो ये कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया 1 प्लस साइन टी साइन एक्स तो 1 प्लस टी हो गया साइन एक्स को टी किया है और 2 प्लस टी कैसे करेंगे दो तरीका है इसका इसको एक बार या तो ऐसे कर सकते हो कि a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी याद आ रहा है वैसा स्प्लिट करके ए बी की वैल्यू फाइन करके कर सकते हो या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कैसे होगा देखो वन अपॉन ये वन प्लस टी मतलब अगर समझो तो टी प्लस वन है और ये टी प्लस टू है ओके तो डायरेक्ट कैसे याद आ रहा है आपको टी इंटू टी टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू थ्री टी प्लस वन इंटू टू टू उसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आएगा ये डायरेक्ट मेथड है टी स्क्वायर लेते हैं फिर टू और वन को प्लस कर दें थ्री टी प्लस वन और टू का मल्टीप्लाई टू इस तरह से होता है अब इसको कम जैसे आप करते थे वैसे करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ओके जीरो टू वन वन अपॉन ये क्या है देखो टी स्क्वायर प्लस थ्री टी अभी ये थ्री टी है ना तो टी के साथ थ्री है तो थ्री में वन बाई टू का मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर करो तो क्या आया थ्री बाई टू का होल स्क्वायर दैट इज नाइन अपॉन फोर तो यहाँ पर नाइन अपॉन फोर को ऐड करो और नाइन अपॉन फोर को सब्ट्रैक करो देखो ये मैं इस मेथड से बता रहा हूँ ओके ए अपॉन बी ए और बी वाला मेथड भी आप कर सकते हो तो अब क्या होगा देखो इसको आगे करेंगे तो आई इज इक्वल टू जीरो टू वन वन अपॉन ये टी स्क्वायर है प्लस थ्री टी है नाइन अपॉन फोर मतलब थ्री अपॉन टू द होल स्क्वायर ये इस तरह से और इसको सॉल्व करोगे फोर टू ज़ा एट एट माइनस नाइन तो माइनस वन अपॉन फोर
है माइनस वन अपॉन फोर और डी टी। चलो इसको आगे कर दे, ओके क्या आ जाएगा देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन अपॉन ये क्या है देखो, टी प्लस थ्री बाई टू आ जाएगा यहाँ पर, टी प्लस थ्री बाई टू द होल स्क्वायर माइनस ये वन अपॉन फोर है ना, वन अपॉन टू द होल स्क्वायर आ जाएगा, वन अपॉन टू द होल स्क्वायर इस तरह से। सो फाइनली ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, वन अपॉन टू ए यानी वन अपॉन टू, ए क्या है वन बाई टू, फिर लॉग, फिर एक्स माइनस ए यानी टी प्लस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, दिस माइनस दिस अपॉन, इन दोनों को प्लस करते हैं, टी प्लस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू। अब यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखना बिकॉज ये डेफिनेट है, जीरो टू वन वैल्यू है, जीरो टू वन जो नंबर है उसको साइड में रखो, टू से टू कट गया, आई इज इक्वल टू वन अपॉन वन यानी वन है तो हटा दो उसको पूरा, लॉग, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, टी प्लस थ्री अपॉन टू माइनस वन बाई टू, थ्री माइनस वन टू, टू अपॉन टू वन हो गया। अब ये हो जाएगा टी प्लस थ्री प्लस वन फोर, फोर अपॉन टू तो टू हो गया, और वैल्यू क्या है देखो जीरो टू वन। अब एक बार वन रखो एक बार जीरो रखो, सो लॉग, एक बार वन रखते टी की जगह, वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस टू थ्री माइनस, अब एक बार है ना जीरो रखो, लॉग जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस टू टू, ये हो गया। अब वैल्यूज भी रख दिए, अब सिंप्लीफाई कर दो, लॉग कॉमन ले सकते हैं, लॉग कॉमन ले लो, लॉग कॉमन तो ये टू बाई थ्री है और इसका डिवीजन होगा वन बाई टू, इसको अगर इंटू करते तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, टू अपॉन वन इस तरह से मॉड है यहाँ पर। हाँ मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर क्या लॉग कॉमन लिया दोनों का, टू बाई थ्री माइनस है तो डिवीजन वन बाई टू, डिवीजन को इंटू किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। आई इज इक्वल टू लॉग क्या आ जाएगा देखो, टू टू जा फोर, थ्री वन जा थ्री, तो ये आपका फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का, इस तरह से करना है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर हमने आज कवर किया है मेन क्वेश्चन नंबर टू जो है उसके स्टार्टिंग के सेवन क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन है, तो 8 से लेके 15 तक मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा इस तरह से, और जो मतलब समझो कि अप्रॉक्स 22-23 क्वेश्चन बचे हैं वो अप्रॉक्स तीन वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है इसके आगे का आएगा, मेन क्वेश्चन टू खत्म करेंगे, फिर दो दिन में मैं दो वीडियो दूंगा और आपको, ताकि आपको भी लोड ना हो। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग अभी बहुत पीछे हो, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन तक पहुँच गया हूँ और बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी तक वो इंटीग्रेशन भी नहीं स्टार्ट किए हैं, इतना पीछे हैं। तो कोई घाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम से सिखा रहा हूँ। पहले मैंने एक एक घंटे के लेक्चर लिए, डेढ़ घंटे के, सवा घंटे के, एक ही लेक्चर में ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस दिए थे। तो अभी जो है मैं और भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, एडमिशन प्रोसेस चालू है, बहुत सारी चीज़ें चालू है, आप लोगों के लिए सिलेबस जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो फुल डे एंड नाइट मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। टेंशन मत लो, मेरे साथ सीखते रहो, आज के लिए इतना ही है, आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। इतना मेहनत होने के बाद भी बच्चों तक चैनल नहीं पहुँच रहा है तो बहुत बुरा लगता है कि इतना मेहनत से हम सिखा रहे हैं, उसका पैसा भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में है, फिर भी ज़्यादा बच्चों तक चैनल नहीं पहुंच रहा है। तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि शायद बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग में से होंगे जो शेयर करते भी हैं बट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इसको, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे चैनल, ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा ले। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पर जो है बहुत सारे कंटेंट मैं टेलीग्राम पर आपको देते रहता हूँ, टेलीग्राम पर दिनेश सर सर्च करना तो चैनल मिल जाएगा आपको। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।